ओके स्टूडेंट्स, जो आप लोग YouTube पर मतलब 8 या 10 मिनट के जो वीडियो देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कहा भाई 8 ही मिनट में हम पूरा अपना वीडियो देख लिया, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। लेकिन चैप्टर क्लियर नहीं होता है, वहां पर कोई लोग उसका सारांश जो होता है ना वही आप लोग पढ़ा कर छोड़ दिया था। लेकिन आजकल का जो एग्जाम या फिर बोर्ड का जो ट्रेंडिंग है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, वो बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल आप पूरे साल जो आपको मिला है तो अंदरूनी यानी कि पूरे पाठ्य को आप गहनता से नहीं पढ़िएगा, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, तो जो अच्छे नंबर लाने के जो सपने हैं ना वो आपको अधूरा रह जाएगा। इसलिए पूरे वीडियो को देखिए और एक एक पहलुओं को ध्यान से सुनिए जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और ये आप लोगों का जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नहीं भारत का दर्शन, हाँ भारत से हम क्या सीखे या फिर भारत का दर्शन ही बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत के बारे में ही इसमें बताया गया है। तो उसका इस दूसरे पार्ट में हम लोग इसको पूरा पढ़ लेंगे। चलिए आते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व विशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्रामीण ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। आपको मालूम है भारत में ग्राम पंचायत चलता है और ग्राम पंचायत में क्या होता है कि ग्राम के जो प्रधान होते हैं उनकी निर्वाचन की जाती है, उनको चुना जाता है और ग्रामवासी ही जाकर अपना मत देकर उनको चुनते हैं। और आपको ये भी बात मतलब हम बता देना चाहेंगे कि इसका ग्राम पंचायत आपके राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था और जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ग्राम पंचायत की नींव डाली थी पूरे भारत में। और उस समय से ग्राम पंचायत की यानी कि गांव-गांव तक विकास की जो रोशनी है वो फैले, वो तब जाकर ग्राम पंचायत। और इसके पहले क्या था, इसके पहले जिस समय ग्राम पंचायत नहीं था तो पूछ सकते हैं कि सर इसके पहले क्या था, तो इसके पहले आपके नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं कि पंच परमेश्वर यानी कि गांव के 5 लोग ही रहकर और पूरे गांव की देखभाल करते थे। चलिए आते हैं उसके आगे। यहां पर कहा था कि भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य छायामन रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस धर्म की यह शरण स्थली है, आज भी यह नित्य नए मत मनांतर प्रकट वो विकसित होते रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत कितने धर्म की जन्मभूमि है। आपको मालूम होना चाहिए भगवान महावीर जो वैशाली में उनका जन्म हुआ था वो भी एक धर्म विश्व में चलता है, वो भी उस धर्म का भी विकास कहाँ से हुआ था, भारत में हुआ था। बौद्ध धर्म का विकास भारतीय इसी जन्मभूमि से हुआ था। और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो आज हिंदू धर्म है वहाँ जो ब्राह्मण और वैदिक जो काल है, पूरे वैदिक काल का यानी कि पूरे वेद के माध्यम से जो चलने वाला जो आपका धर्म है वो आपका हिंदू धर्म है, तो उसका भी विकास जन्मभूमि इसी भारत को ही माना जाता है। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज भी किसी भी उज्जवल समस्या को ले लीजिए, यह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंधित हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात, चाहे प्रवास संबंधित कानून हो या अन्य कोई कानून मसला, सीखने या सिखाने की कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती है। चलिए यहाँ पर कहा गया है कि भारत एक ऐसा बहुत बड़ा प्रयोगशाला है कि जहाँ पर हर एक चीज़ आपके परिपूर्ण है, हर एक चीज़ इस भारत की जन्मभूमि से आप सीख सकते हैं। जैसे कोई कानून बनाने की बात हो तो भारत में भी कानून बनाए जाते हैं बाबू, ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि आप उसके बारे में सुनिएगा तो बोलिएगा। और भारत में आपके संसदीय प्रतिनिधित्व मतलब सांसद में जो आप प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं कि भाई हमारा जाकर क्या करेगा, हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे बारे में बताएगा, हमारी हमारी जो
समस्या के ऊपर क्या डालेगा, प्रकाश डालेगा। तो इन सारी चीजों के भारत में आपके संसदीय प्रतिनिधित्व से भी आप बहुत चीज सीख सकते हैं। चाहे इसमें एक बहुत अच्छा शब्द दिया गया था, चाहे प्रवास संबंधित कानून, यानी इस देश से लोग दूसरे देश में जाते हैं जिसे प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय जिसे आप लोग कहते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में जो जाने से, जो मतलब एक देश से दूसरे देश में जब आप प्रस्थान कीजिएगा, उससे संबंधित भी जो कानून है, आप मतलब सारे चीज आपको, भारत जो है एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला है और उसमें हर एक चीज आप बड़ी ही बारीकी से सीख सकते हैं। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी, जहां आपको मानव हृदय की गहनता, सहानुभूति और सदाशयता को जानने वाले पाठ की प्रचुर परिणाम में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के नंबर नहीं रखे जा सकते। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वो भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, देवता विज्ञान का या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र का या कानून का हो, अथवा रीति रिवाज व परंपराओं का, प्राचीन काल का या शिल्प का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का हो। शिल्प मतलब जो आप लोग हाथ से हस्त जो कला होता है, और पुरातन विज्ञान यानी कि आपके जो पुराने चीज को ढूंढ करके किया जाता है उसको पुरातन विज्ञान कहते हैं। या इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपदेय प्रमाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग्य भारत और केवल भारत में ही संचित है। और जितने भी सारे चीज अभी तक हम लोग वीडियो में पढ़े, उन सारे चीजों का एक संपूर्ण और बड़ा भंडारण भारत ही है। भारत में हर एक चीज का भंडारण है, और हर एक चीज को आप भारत की भूमि पर कदम रखते हर एक चीज का आप विचरण कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आप जानने को मिल सकता है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी समयक या अध्ययन व्याख्या विवेचना कर ले, तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। अगर आप भारत की मात्र एक कोई सा भी अध्याय पढ़ लें, तो आप अपने जो क्लासरूम में बैठकर जो उसकी व्याख्या और हर एक चीज पढ़ते हैं, मतलब वैसा चीज आपको विश्व के किसी भी विद्यालय और कॉलेजों में नहीं मिल सकती। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम संस्कृत है। और देखिए, भारत की सबसे प्राचीन भाषा या विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कही जाती है तो संस्कृत को बाबू कही जाती है। तो जो संस्कृत भाषा है ये कितनी पौराणिक है और इसका क्या महत्व रहा है हमारे इतिहास में या वर्तमान समय में, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वतीसाई क्यों है, यानी कि अगर जो मतलब संस्कृत में ऐसा मतलब क्या उसका महत्व है और हमारे इतिहास में उसका क्या स्थान है कि हम उस पर ज्यादा क्या ध्यान दें। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता इसकी प्राचीनता। संस्कृत जो बोले नहीं बाबू कि संस्कृत सबसे प्राचीन सबसे पुराना भाषा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है, यानी कि ग्रीक जो भाषा जो विश्व की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है ग्रीक, उससे भी कहीं ना कहीं पुराना हमारी संस्कृत भाषा का इतिहास रहा है। जिस रूप में आज हम यह पाते हैं कि उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषा लोगों को सदियों से ज्ञात है, और निसंदेह यह भी कि अनुभव किया जा सकता है कि दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, और दोनों भाषाओं में साम्य जानते हैं नहीं कोमलता, दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ साम्य अवश्य है। कौन आपके दो भाषा के यहाँ पर नाम लिए हुए हैं, लैटिन और ग्रीक। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्याप्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता है कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को
कुजी मान लिया जाता है और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्य को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। इसके बाद जब गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानिक कैटलिक तथा स्पाल भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ता है। देखिए, मतलब जो भी भाषा होता है, जो एक मूल भाषा होता है, उसका सरल भाषा होता है बाबू। जैसे यहाँ पर आपके ग्रीक और रोमन को लेकर, यानी कि इस शब्द का अर्थ ढूंढना है तो ग्रीक में चल जाइए, और ग्रीक शब्द का अर्थ ढूंढना है तो इसमें आ जाइए। और ऐसा कहा जाता है कि जो आपका संस्कृत है तो संस्कृत का आपका सरल भाषा क्या है भाई, हिंदी है। यानी कि संस्कृत से ही हिंदी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उर्दू क्या है आपका, फारसी का आपका एक सरल भाषा है। तो हर एक भाषा का एक आपका क्या होता है, सरल रूप होता है। किंतु इन भाषाओं में इतनी अत्यधिक समानता कैसे आ गई, और समानता के साथ ही साथ इतना अत्यधिक अंतर भी इसमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसके कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्कालिक लोगों को एक ऐसी प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। अग्रजा कहने का मतलब ये जो भी भाषा है और सब में जो मतलब समानता है, जो विभिन्नता है, सभी से अग्रज यानी कि सभी से आगे और किसी भाषा को कहा जाए तो निश्चित रूप से संस्कृत है। इससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकती है जो इस परिवार के किसी अन्य भाषाओं में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है तो इस निर्भरता रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुवानियस, उग्निस और कोष्टिक भाषाओं के इंग्ले शब्द यह दर्शाते हैं कि स्वाल या ट्यूटानी भाषा भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वहां कालांतर में अग्नि के दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ लिए जाते हो। देखिए, मतलब ये जो आपके संस्कृत भाषा है तो संस्कृत भाषा में जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों से, यानी संस्कृत में जैसे आपका यहाँ इसके ऊपर पढ़े हैं कि अग्नि आपको क्या है, संस्कृत में आग को अग्नि कहा जाता है, तो उसको आपके दूसरे भाषाओं में क्या कहा गया, इंग्लिस, और अगले भाषा में क्या है, कोष्टिक भाषा में क्या गया, इंग्ले। तो कहीं ना कहीं आपके ग जो शब्द है अग्नि में, जो ग शब्द है ये आपके संस्कृत से मिलता जुलता ये क्या रहा है, अक्षर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे भाषा से अग्रज यानी कि पहले आपके संस्कृत भाषा आई हुई थी। कवि का कहने का तात्पर्य यही है, दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह बता पाना सरल नहीं होता है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहां हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूषक, ग्रीक में मूस और लैटिन में मूस, पुरानी सोलिकिन में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस प्राचीन युग में, यानी कि उस पौराणिक युग में जिसकी कालगणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि कर्म के आधार पर ही कह सकते हैं कि चूहा ज्ञात था और उसका मूषक नाम भी रख दिया गया था, ताकि अन्य
ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपाला न हो पाए। देखिए ऐसा कहा जाता है कि कालांतर, कालांतर हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, काल, काल मतलब क्या होता है, समय होता है, तो कालांतर होता है, ये समय को ही यहाँ पर कालांतर कहा गया बाबू। तो कालांतर कहने का ये मतलब आपका होता है, ये तात्पर्य होता है कि जो हमारा जो समय के अनुसार हर एक जो चीज़ों का जो नाम है उसमें परिवर्तन आते रहता है। जैसे हम लोग पहले पटना को क्या बोलते थे भाई, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से थोड़ा सा शॉर्ट करके अब एक छोटा सा नाम बोलते हैं तीन शब्द का, पटना, क्या बोलते हैं, पटना बोलते हैं, पटना बोलते हैं ना जी। तो समय के अनुसार हर एक चीज़ों का जो नाम होता है नाम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आते रहता है, लेकिन हमारा जो संस्कृत भाषा है उसके शब्दों में परिवर्तन नहीं आया, और उसी से मिलते जुलते ये जो आपके आपके ग्रीक है या फिर जो अन्य भाषाएं हैं उन्हीं से मिलते जुलते जो मूसक शब्द है या फिर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि उससे मिलते जुलते आते हैं, और सबसे अग्रज यानी कि सबसे आपके पौराणिक भाषा संस्कृत को माना गया है, और हर एक चीज़ का एक खास नाम दिया गया है कि जिससे उसका पहचान हो सके और किसी अन्य चीजों का उससे संबोधित उस शब्द से संबोधित ना किया जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांचों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाए गए 25 कारी चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता और संस्कृति अथवा अति अवस्था का कुछ कामोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत और यूनानी, इटली और जर्मन में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर जो आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाज लगाएं कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार उस सम्मिलित स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियों एक दूसरे से पृथक हुए थी, और यह भी कि उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाह के उतार चढ़ाव से घिस मज कर चिकनी और अस्पष्ट हो चुकी थी। देखिए कहा जाए तो इसमें तीन लोग, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि हिंदू, ग्रीक और यूनानी, ये तीन शक्तिशाली प्रजातियाँ थी और तीनों का जो भाषा है वो आपस में काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए कहा गया कि जो तीन प्रजातियाँ हैं जब आपस में पृथक हुई होगी, जब आपस में इनका अलगाव हुआ होगा, जब अलग अलग हुए होंगे, तो ये जो आपके इनके जो तीनों के भाषाओं हैं, जो इन तीनों प्रजाति की जो भाषा है वो आपस में काफ़ी मिलती जुलती है। और देखिए समय के अनुसार इनकी जो भाषा में मतलब जितना भी घिस मज कर चिकनी और अस्पष्ट हो चुकी है, अभी वर्तमान समय में मतलब जो भी परिवर्तन आना है वो सुदृढ़ रूप से यानी कि बड़ी ही सुंदर तरीके से परिवर्तन आ चुका है, हमें उस भाषा में प्राकृतिक और प्रत्यक्ष के योग से बनी हुई असीम ग्रीक एमिस जैसी यौगिक प्रक्रियाएं मिलती हैं। देखिए क्या क्या उसमें प्रक्रियाएं मिलती हैं, ये प्रत्यय जानते हैं ना आप लोग, प्रत्यय हिंदी में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम, प्रत्यय यानी प्रत्यय के योग से जो शब्द बनता है, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में लगता है, तो प्रत्यय से बनी हुई बहुत सारे आपके शब्द भी इसमें मिलते हैं जिसको यौगिक क्रिया से बनी हुई शब्द कहा जाता है। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में असीम जैसे शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा, उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता हूँ या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ, जैसे क्रियाएं भले ही मिल जाए किंतु असीम मैं हूँ, यह क्रिया तो केवल आर्य भाषा में ही उपलब्ध हो सकती है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जिसमें हमको बोलना पड़ता है कि मैं उठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा हूँ, लेकिन और मैं कहूँ कि असीम हूँ, असीम असीम मतलब मैं हूँ,
असीम कहने का मतलब मेरा कोई सीमा नहीं है, मैं हूं, यानी कि असीमित, यानी कि इस भाषा का एक विशेषता है कि मात्र एक शब्द से आप पूरे एक वाक्य को संबोधित कर सकते हैं, आप बात कह सकते हैं। तो मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और ये जो अपना जो संस्कृत है एक इतिहास में अपना एक अलग पहचान छोड़ चुका है, तो मैं इसे वास्तविक रूप से क्या मानता हूँ, एक इतिहास मानता हूँ। और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरता की अपेक्षा कहीं अधिक अधिक ज्ञातवश और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मकता का परिचायक है, और भाषा की पुरानता भाषा संस्कृत सारभूत रूप से कहीं है, जो ग्रीक लैटिन और एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं, जो यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न गढ़ पाते हैं। और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा नहीं सिखा पाती। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है, और यूनान व रोमन से संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अत्यधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लगता था, तभी एक संध्या कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वदा सम्मान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बात कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो कालांतर संस्कृत ग्रीक और लैटिन के संख्यात्मक शब्द सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाएं। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना पड़ा। देखिए, और कहा जब इनके मास्टर साहब ने, जो इस पाठ के लेखक हैं, इनके मास्टर साहब ने एक बात कही कि जानते हो, जो भी मतलब तुम तो सारे ग्रीक लैटिन ये सब भाषा पढ़ रहे हो, लेकिन इनके समान भी एक अग्रज भाषा है और इनसे मिलता जुलता एक भाषा है, जानते हो कौन सा है, संस्कृत है। और जब ये बात उन्होंने कहा तो संस्कृत यानी कि पूरे भारतवर्ष को वहाँ के जो विद्यार्थी थे वो थोड़ा सा हित दृष्टि से यानी कि घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन और उन लोगों ने अपने मास्टर का बात बहुत ही हल्के में ले लिया, सोचा कि थोड़ा असर क्या है, मूड में है, तो मूड में कहने का बात नहीं। और जब लिख करके उनको बोर्ड पर बताया गया तब उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं वो 100% सत्य है, सही है। भारत के बारे में एक प्रकार से सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों की धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो चुकी है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझा जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को सर्वदा भूल जाएं, और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि सत्रहवीं सदी में ऐसी ही अंग्रेज भाषा और उनका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्यभूत होंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले
विसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी है। अगर जो मान लीजिए किसी भी देश का कोई इतिहास रहा हो और वहाँ की कोई मूल भाषा रही हो और उसको वहाँ की मूल भाषा को हटा दिया जाए और 2-3 हजार वर्ष बाद उनको बताया जाए कि तुम्हारा जो संस्कृति और सभ्यता था और तुम्हारी जो मूल भाषा थी वो तुम्हारी मूल भाषा अंग्रेजी थी, जैसे यहाँ पर अमेरिका का उदाहरण दिया है कि अमेरिका के लोगों को मतलब 2-3 हजार साल उनको अंग्रेजी से उनको मुखातिब नहीं कराया जाए, उन्हें मिलाया नहीं जाए, 2-3 हजार साल के बाद बताया जाए कि तुम्हारी ये मूल भाषा थी, तो उनको अपनी भाषाओं को जानकर और उनके इतिहास को जानकर कुछ आश्चर्यचकित होगा। वैसा ही हम लोग के साथ हुआ है कि जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही पुरानी, बहुत ही अग्रज भाषा है, बहुत ही प्रभावशाली भाषा है, लेकिन फिर हमारी जो इतिहास है वो हमारी चेतना में हमारी भाषा को जागृत करना चाहता है कि आप लोग इस भाषा के ऊपर क्या हो, आप लोग अपना ध्यान आकर्षित करें। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बता नहीं सकते। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बनते तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बरबस समझाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले हो ही नहीं पाया था। देखिए, और जो संस्कृत हमारी भाषा है, संस्कृत इतनी मधुर और इतनी सम्यता भाषा है कि हमारे अंदर मधुरता, हमारे अंदर कोमलता और हमारे अंदर भातृत्वता का जो भाव है वो जागृत करता है। आप सुने होंगे कि भारत की एक संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो होता है एक देवता के समान होता है। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ है जो संस्कृत भाषा में एकदम स्पष्ट रूप से प्रकट करने में ये भाषा क्या है, समर्थ है। और हमारे अंदर मानवता का एक नया जागरण, एक नया जागृति ये प्रकट करता है। हम सब पूर्व से आए हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राचार्य विद्या विशारद न भी हो तो यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आपस में प्रत्यक्ष को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसे कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी। पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाई ओर था। अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों के चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वो वस्तुतः अनिवर्चनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री है, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्मराज सरकारों कानून या विधि संहिता रीति रिवाज परंपरा भाषा लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक
विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जा रही है। और देखिए भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसका जो गरिमा है और इसका जो मान है, ये आज से ही नहीं, ये बहुत प्राचीन समय से लोगों, जितने लोग भारत की भ्रमण करने के लिए आए, उन लोगों ने इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। और भारत के प्रति जो अपना अनुभव है, भारत में जो उन्होंने देखा, जो वास्तविक रूप से उन्होंने पाया, उसी को अपने शब्दों में वर्णन किया गया। और भारत की संस्कृति और सभ्यता के उस समय जो भारत, जो यात्री भारत आए, उन्होंने इतना अच्छा उनका क्या किया, वर्णन किया गया, उन्होंने वर्णन किया है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अत्यधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और इतने बड़े वो ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्न देशियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है, तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मनो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झझोर रहे थे। और उन्होंने भारत की तरफ, एक तरफ अपने देश इंग्लैंड की जो स्मृतियां उनके दिमाग में चल रही थी, उसी तरफ भारत का जो जगमगाता हुआ जो सूर्य है, उसकी जो दृष्टि है उनकी आंखों के सामने आ रही थी। और उसके बाद वो जिस समय अरब सागर की शीतल मंद हवा, यानी कि धीमे धीमे चलते हुए जो समीर है, उनको झझोर रही थी, उनको एक अलग सुखद आनंद का अनुभव करा रही थी। ऐसे स्वप्नदेशी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविक में परिणित कैसे किया जा सकता है। और ऐसे जो हमारे प्राकृतिक प्रेमी हैं, हमारे जो मानवता प्रेमी हैं, उन वही लोग भारत की वास्तविक रूप को और भारत के अंदर मानव के अंदर जो आत्मीयता पाई जाती है, जो मानवता पाई जाती है, वो उसका आकलन कर सकते हैं बाबू। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज वैसा ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसे ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुँचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राचर्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है, यद्यपि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। यानी कि भारत की जो विरासत है और भारत की संस्कृति और सभ्यता है, वो इतनी विस्तृत और इतनी ऐतिहासिक है कि इतने सारे लोग आकर भारत का भ्रमण किए और देखे और उनके बारे में अनेक प्रकार की अपनी अपनी जो विचार है उन्होंने प्रकट की, लेकिन अभी भी भारत की जो विरासत और संस्कृति, उसमें शेष चीज बचे हुए हैं, उसे बहुत सारे चीज बचे हुए हैं कि जिसको ढूंढ करके, खोज करके और उसके बारे में अपना जो विचार है आप प्रकट कर सकते हैं। और आपका यह जो पाठ होता है यहाँ पर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस पूरे पाठ को गहनता के साथ सुनिएगा और देखिएगा, जिससे आप लोगों का पहले तो आपके अंदर एक अच्छे शब्दों का विकास होगा, एक अच्छे जो भाषा का जो शैली है उसका विकास होगा, और आपके बारे में और आप लोगों के नॉलेज के लिए, आप लोगों के ज्ञान के लिए हमारे जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है और इसका जो इतिहास बीते हुए समय में रहा है, आप लोग अपने इतिहास की पुस्तक को छोड़िए, आपके अपने इस हिंदी पाठ में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होगी और आप इस वीडियो को एकदम इत्मीनान के साथ समझिए। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप एक योग पर बैठे हैं, आप एक पूजा पर बैठे हैं और इस वीडियो को पूरी इच्छा और पूरी ध्यान लगाकर हर एक शब्दों की जो उसकी बारीकियां है, हर एक शब्दों का जो उसका अर्थ है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। और इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद आपको, आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा, कोई आपके मन में
ऐसी बात उत्पन्न होगी ही नहीं कि हमारे ये प्रश्न यहाँ से छूट जाएगा, चाहे ये बात, ये सारे तथ्य हमें समझ में नहीं आए। आप जब ये काम एक इबादत, एक पूजा की तरह कीजिएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्टे एंड कीप हेल्दी।